तो हेलो गाइस, जैसे कि आपके सामने लेकर आया हूँ होंडा साइन 125 का बल्ब बिना पुलर के ही मैं आपको लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो दिखा रहा हूँ आपके पास, देखिए यह है उषा कंपनी का ब्रांडेड इंजन का बल्ब। देखिए यहाँ पर बल्ब और बल्ब सील दोनों आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ मैं। देखिए ये है बड़ा वाला बल्ब, ये है छोटा वाला बल्ब और ये है बल्ब सील। तो किस तरह से हम यहाँ पर बिना पुलर के लगाने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो फर्स्ट में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बने रहिए मेरे वीडियो पर, देखिए किस तरह से मैं आपको बिना पुलर के आज दिखाने वाला है कि किस तरह से बल्ब फंसाते हैं। तो देखिए ये है बल्ब सील, इसे थोड़ा सा इंजन ऑयल में डुबा कर इसे पुश करने में आसान हो जाता है, इसलिए मैंने लगा दिया है। और देखिए यहाँ पर भी ये बल्ब के गाइड जो होता है ना, उसका सीट वाशर है ये, तो ये वाशर को पहले लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद में ये है बल्ब सील। तो देखिए किस तरह से ये इंजन ऑयल में इसको डुबा कर यहाँ पर लगाते हैं कि पुश करने में एकदम आसान सा हो जाए, हमको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो देखिए ओरिजिनल बल्ब है ये, देखिए। और ये बल्ब को किस तरह से हम लगाएंगे, देखिए जड़ा सा इंजन ऑयल में इसे हम डुबा देते हैं ताकि कोई भी कचरा उचरा नहीं फंसे इसमें, कचरा के कारण से बल्ब जो है लीकेज हो जाता है, इसलिए दिखाते हैं आपको। देखिए और इस बल्ब को यहाँ पर पुश कर दिए हैं और देखिए ये है बल्ब स्प्रिंग, किस तरह से इसे लगाएंगे आपको दिखाने वाले हैं हम। देखिए ये हो गया बल्ब स्प्रिंग, इसमें डबल स्प्रिंग होता है देखिए, और ये है स्प्रिंग का ऊपर का टॉप वाले वाशर, और यहाँ पर लगाएंगे ये है बल्ब का लॉक, दो लॉक लगेंगे। देखिए एक लगा दिया मैंने और ये दूसरा वाला लगा रहा हूँ। देखिए अब इसे किस तरह से लगाया जाता है, देखिए यहाँ पर अपने दोनों हाथों के अंगूठा से इसे पुश करेंगे और देखिए बहुत ही आसान से लग गया। और देखिए छोटे वाला बल्ब का काम बाकी है, देखिए लग गया एकदम बेहतरीन आइडिया लगाकर मैंने लगाया है। कितना मैकेनिक दोस्त बोलते हैं कि आप नॉर्मल बाइक का लगा कर दिखाते हैं, यामाहा FZ का लगा कर दिखाइए, हीरो होंडा स्प्लेंडर का लगाइए, भाई मेरे यूट्यूब पर जाकर देखिए मैंने सभी गाड़ी का, जनरल बाइक जैसे हो गया पल्सर, अपाचे, साइन, स्प्लेंडर, FZ V2, सुपर स्प्लेंडर, नॉर्मल बाइक टोटल का जो है मैंने लगा कर रख दिया हुआ है। यूट्यूब पर भी वो वीडियो मिल जाएगा आपको, देखिएगा ज़रूर। और उसके बाद मैं आपको फिर दूसरे बल्ब के लिए लेकर आ रहा हूँ। देखिए ये है डबल स्प्रिंग लगा दिया मैंने यहाँ पर, और ये है टॉप वाली वाशर, और ये वाशर में मैंने लगा रहा है यहाँ पर। देखिए ये है एक लॉक लगा दिया मैंने, और ये फिर आ गया दूसरे लॉक का पाली, और इसका टाइम आ चुका है दूसरे वाले का। और देखिए किस तरह से अपने दोनों हाथों के अंगूठा से इसे पुश करेंगे और किस तरह से इसे यहाँ पर लगाएंगे, देखिए देखिए बहुत ही आसान तो नहीं है, बहुत कठिन है। देखिए यहाँ पर कितना सा प्रेशर पड़ता है, देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही खतरनाक ये काम है, लेकिन मैं बहुत ही आसान से कर देता हूँ ये काम। तो ये है टेक्निक वाले काम, देखिए ये है होंडा साइन का जो है हेड का बल्ब फंसा दिया मैंने, और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये है इसका फुल इंजन है, ये है तो हेलो गाइस, सबसे पहले देख लीजिए कि आपके सामने मैंने ये हेड कंप्लीट कर दिया हूँ, और इसके बाद में नंबर दो का समय आ चुका है। यहाँ पर है ये होंडा का ब्लॉक किट, पूरे असेंबली कंप्लीट है। तो सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये है ये नीला वाला जो है ये ब्लॉक का गैस्केट है, और ये वाइट वाला जो है ये हेड का गैस्केट है। तो ये गैस्केट नंबर एक हो चुका है। नंबर दो है ये जो है पिस्टन है, देखिए पिस्टन आपको मालूम है किस तरह से, दिखाते हैं आपको खोलकर, अनबॉक्सिंग हो चुका है। देखिए ये है पिस्टन, तो पिस्टन कैसे होता है नया और किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है, तो आपको दिखा रहे हैं। देखिए KTE लिखा हुआ है, मतलब ये है आगे रहेगा, ये जो है IN इसका लोगो है, जो इशारा में देखिए इस तरह से लगेगा जो कि सीधा रहेगा। तो नंबर दो दिखा दिए आपको, इसमें कितने सामान, ये ब्लॉक किट किन्ने पर कितने सामान आते हैं आपको सभी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए आपके ब्लॉक के दो भूसे हैं, ये साइलेंसर के गैस्केट हैं,
ये है पिस्टन के गजल पिन, ये है पिस्टन के छोटे छोटे दो पिन। तो नंबर तीन आ चुका है यहाँ पर, दिखा दिया मैंने आपको। नंबर चार का बात करें तो सबसे पहले दिखा रहे हैं पिस्टन के रिंग। देखिए पिस्टन के रिंग कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं इसमें, दिखाते हैं आपको एकदम अच्छे ढंग से। देखिएगा पिस्टन के रिंग के बारे में आज को आपको सिखाने वाले हैं, मैंने दिखाने वाले हूँ। देखिए ये है पिस्टन के रिंग। तो देखिए इसमें दो रिंग हैं, देखिए ये दो रिंग हैं, ये है ऑयल रिंग, ये है टॉप वन। देखिए यहाँ पर टॉप वन लिखा हुआ है, देखिए ये टॉप वन है, उषा कंपनी ओरिजिनल है टॉप। और ये है टॉप टू, देखिए ये मोटे वाले टॉप टू है। तो देखिए नंबर चार का टाइम खुलास हो चुका है, देखिए। और नंबर पाँच पर लेकर आया हूँ मैंने ब्लॉक किट असेंबली। देखिए ब्लॉक किट किस तरह से इसमें लगाएंगे हम आपको दिखा रहे हैं। कितने दोस्त बोलते हैं कि भाई पुराना सामान लगा कर हमको वीडियो दिखाकर चुतिया बना रहा है, भाई बिल्कुल गलत है वो बात। आपको पूरे कंप्लीट देखिए सील पैक है, अभी मैंने इसे खोला भी नहीं हूँ। देखिए ये अनबॉक्स से है, देखिए अब मैं इसे निकालेंगे। देखिए ये है ब्लॉक किट जो है कि होंडा कंपनी के एकदम ओरिजिनल ब्रांडेड। तो देखिए ये है एकदम आपके सामने में खोल रहा हूँ मैंने, देखिए एकदम 100% ओरिजिनल, इसका फुल्ली गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए ये है चुका है ब्लॉक किट असेंबली। तो ब्लॉक किट लगाएंगे ये गाड़ी में तो क्या साउंड कितना बेहतर होगा, जो आपको खुद ही मालूम है कि गाड़ी होंडा साइन बहुत ही परफॉर्मेंस का राजा गाड़ी है। एक बार ब्लॉक किट इसमें लग जाए तो गाड़ी फिर राजा के जैसे चलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ब्लॉक किट पूरे कंप्लीटेड है। देखिए अब सबसे पहले आपको हम क्या बताएंगे कि पिस्टन में रिंग किस तरह से लगाते हैं आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत पतला वाला पेचकस लेकर आ, तो सबसे पहले आपको पिस्टन का रिंग लगाने के लिए दिखा रहे हैं। देखिए ये है पिस्टन का रिंग और ये हुआ पिस्टन। तो पिस्टन में रिंग किस तरह से लगाया जाता है सो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, एकदम ध्यान से देखिएगा किस तरह से पिस्टन का रिंग को लगाते हैं हम। देखिए कितने लोग बोलते हैं भाई पिस्टन का पॉइंट किस तरह से मिलाया जाता है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पिस्टन का पॉइंट किस तरह से मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो काला काला रेखा है यहाँ पर इसका पॉइंट हो चुका है एक, और दूसरे वाले का पॉइंट मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपके पास। देखिए यहाँ पर जो है इसका कटा हुआ भाग दिख रहे हैं आप, देखिए देख रहे हैं ना यहाँ पर ये कटा हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको देखने में एकदम ही आसान हो जाए। देखिए एक पॉइंट मिल चुका है और नंबर दूसरी का है। देखिए अब यहाँ पर किस तरह से मिलाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे हम। तो देखिए डालने के बाद किस तरह से पॉइंट मिलता है सो आप देखते रहिए एकदम आसान सा वीडियो में। तो देखिए इसका पॉइंट मिल गया और आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पॉइंट मिला। देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, देखिए ये यहाँ है, देखिए देख लिए और ये यहाँ है। तो इसका पॉइंट मिल गया, मतलब क्या मिला W। सबसे खतरनाक काम है इसमें सीखने वाले लोगों के लिए W मिलाना होता है। W नहीं मिलाइएगा ढंग से तो आपका गाड़ी कितना भी ब्लॉक चेंज कर लीजिए आपका गाड़ी जो है क्या होगा, इंजन ऑयल जो होता है ना इंजन ऑयल उठाने लगेगा, चाटने लगेगा इंजन ऑयल। इसलिए पिस्टन का रिंग जो है एकदम ढंग से मिलाना पड़ता है। पिस्टन का रिंग मिल गया एकदम अच्छा से और आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिस्टन का टॉप टू, देखिए टॉप टू कहाँ पर लगेगा, टॉप वन कहाँ पर लगेगा। देखिए ये मोटा वाला रिंग है जो काला पड़ा है, तो यहाँ पर देखिए टॉप टू डाल रहे हैं यहाँ पर हम। देखिए ये टॉप टू हो चुका है रेडी, देखिए ये रेडी हो चुका है और टॉप वन भी होने वाला है लगभग 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 फाइनली। तो देखिए ये लग गया, फाइनल हो गया और उसके बाद में हम लगाएंगे ये है पिस्टन का छोटा वाला लॉक। तो ये लॉक लगाना तो यूं है मेरे हाथ से, देखिए कितने आसान से लगाते हैं, इस तरह से इसे पकड़ते हैं लग गया, देखिए यहाँ पर एकदम। और निकालने के समय में यहाँ से इस तरह से करेंगे यहाँ पर निकल जाएगा, ये हो चुका है। और उसके बाद में इसे हम बोलते हैं गजल पिन, यहाँ पर गजल पिन, देखिए यहाँ पर लगेगा गजल पिन
अभी ज़रा सा टाइट जा रहा है, तो इसमें ज़रा सा इंजन ऑयल हम डाल देंगे। देखिए इंजन ऑयल यहाँ पर लगाएंगे ताकि पुश करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, और यहाँ पर इंजन ऑयल डालने के बाद पूरे पुश करने में काफ़ी मदद करता है ये इंजन ऑयल। तो सबसे पहले अब आपको क्या दिखाएंगे हम, ये है ब्लॉक के बूसेस जो ब्लॉक किट में किनने के बाद ये नया आता है, तो हम इसमें नए ही डाल देंगे, क्यों पुराना लगाएंगे। देखिए ये नया बूस है और बूस को यहाँ पर डाल दिया मैंने। देखिए ये ब्लॉक बूस हो चुका है यहाँ पर, और देखिए उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, ये पिस्टन में ज़रा सा इंजन ऑयल डाल देंगे। ये अभी काफ़ी सूखा पड़ा है इसलिए ब्लॉक किट के अंदर में डालेंगे तो कहीं सूखा पड़ने के कारण कहीं रिंग टूट भी सकता है, इसलिए हम इंजन ऑयल से इसे हम पूरे अच्छे ढंग से मिला दिए हैं और यहाँ पर डाल रहे हैं क्या ब्लॉक किट के अंदर में। देखिए ब्लॉक किट के अंदर में इंजन ऑयल में पिस्टन को भिगा दिए हैं थोड़ा सा डुबा कर, एकदम आसानी होगा यहाँ पर जाने के लिए अंदर पुश होने में। तो देखिए काफ़ी मदद होगा उसको पुश होने में, और देखिए एकदम देखिए मस्त से चला गया अंदर। अब इसे हम थोड़ा सा बाहर लेंगे निकलो, और निकल गया ये। अब इसको किस तरह से हम इस गाड़ी में सेट करेंगे तो आपको दिखाने वाले हैं। देखिए अब सबसे पहले हम लगाएंगे इसका गैस्केट, तो ये नीला वाला यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ये है ब्लॉक का गैस्केट, ब्लॉक का गैस्केट किस तरह से लगाएंगे दिखाते हैं आपको। ये है ब्लॉक की गैस्केट, देखिए, और ये है ब्लॉक की गैस्केट किस तरह से लगाएंगे हम, इस तरह यहाँ पर डाल देंगे और बिना इसमें कुछ लगाए ज़रा सा हम इंजन ऑयल डाल देंगे यहाँ पर। इतना स्टैंडर्ड काम हो रहा है, देखिए इस गाड़ी में आपको जितना सामान लगा है पूरे टोटल ओरिजिनल ही का सामान लगा हुआ है, ताकि कुछ ही दिन में इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए एकदम अच्छे ढंग से काम किया हूँ मैंने, और आपको भी पूरे वीडियो में दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सामान इसमें लगाया है मैंने। तो देखिए ये ब्लॉक को अब जा रहे हैं हम इसमें सेट करने के लिए। देखिए तो ब्लॉक किस तरह से इसमें लगाएंगे हम, देखिए इस ब्लॉक को यहाँ पर हम लगा रहे हैं, ये ब्लॉक लग गया यहाँ पर। देखिए ब्लॉक लगाने में हल्का सा यहाँ पर जो है ना गजल पिन में समस्या हो रहा है मुझे, तो मैं इसे लगा रहा हूँ। फिलहाल ले जाओ बाबू। तो देखिए ये पिस्टन का गजल पिन हमने अंदर डाल दिया है, और आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या लगेगा ये, फिर उस टाइम दिखाएं। देखिए ये है पिस्टन का लॉक, ये लॉक लगा देंगे ताकि गजल पिन अंदर से बाहर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर मैंने डालने जा रहा हूँ। देखिए ये गजल पिन का लॉक है, पिस्टन को बाहर अंदर पुश करने के लिए नहीं मिल सकता है ये होने के बाद। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगाने के लिए लगा दिया इसे। अब देखिए इस पिस्टन को अंदर रिलीज करने के लिए पुश करेंगे हम। देखिए देखिए ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये लग चुका है, देखिए इस पिस्टन को मैंने टॉप पर लाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए इस पिस्टन को बिल्कुल ही टॉप पर ले आया हूँ, और इस पिस्टन को आप देख सकते हैं, समझदार व्यक्ति तो वैसे ही पता लगा लेते हैं कि ये पिस्टन उल्टा है या ठीक है या नहीं। तो देखिए कभी भी आप गाड़ी को सेट करते हुए देखिएगा तो बड़ा वाला पिस्टन जो है, बड़ा वाला जो दाग है पीछे रहेगा, और लिखा हुआ भी एकदम बिल्कुल मिला हुआ है। तो अब सबसे पहले मैं लगाऊंगा रिलीज लेकर आओ बाबू। ये है हेड का गैस्केट, तो ये हेड के गैस्केट में मैं क्या लगाऊंगा, ज़रा सा ग्रीस लगा दूंगा। देखिए ग्रीस यूज करूंगा मैं इसमें। देखिए
यहाँ पर ग्रीस लगाऊंगा, यहाँ पर काफ़ी मदद मिलता है इसे, वहाँ पर लगाने के बाद लीकेज का संभावना नहीं रहता है। आज कितना मैकेनिक को देखते हैं यहाँ पर रेसी बॉन्ड ज़्यादा करके लगा देते हैं, ज़रा भद्दा दिखता है देखने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो देखिए ये है ग्रीस, और ग्रीस का काम क्या हुआ, वहाँ पर चिपका देगा वहाँ पर लगने के बाद बहुत ही अच्छा ढंग से। और सबसे पहले आपको यहाँ पर हम रखने के जा रहे हैं केम चेन गाइड, अभी नहीं लगाए हैं, देखिए इधर वाले केम चेन गाइड हो गए, देखिए यहाँ पर का केम चेन गाइड, ये है टाइमिंग चेन के गाइड, और ये हो चुका है आपका फ्लो हेड का गैसकेट, और यहाँ पर दो बूथ लगाएंगे, देखिए ये है हेड का बूथ, दो बूथ देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा, तो किस तरह से ये लगेगा सो देखते रहिए आप एकदम अच्छी तरह से वीडियो में। तो हेलो गाइस, जैसे कि आपके दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए ये है टाइमिंग चेन गाइड जो पीछे वाला है, इसे टाइमिंग चेन एडजस्टर जो है इसे पुश किया रहता है ताकि टाइमिंग चेन टाइट रहे, इसलिए अब इस पे लगाने जा रहे हैं हम, क्या है ये हेड है, देखिए ओरिजिनल बल्ब है, इसमें लगा दिए आपको बिना पुलर के किस तरह से लगाया जाता है जो वीडियो देखकर खुद ही मालूम हो जाएगा आपको। तो देखिए ये हेड है, इसे किस तरह से यहाँ पर शिफ्ट कराना है जो अच्छा तरीका से हमको इसे लगाने का इंस्पिरेंस है। देखिए यहाँ पर ये लग गया, अब ये टाइमिंग चेन, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, टाइमिंग चेन नया किस तरह से लगाएंगे, जो देखिए इस गाइड को थोड़ा सा यहाँ पर बाहर करना है, इसे निकाल देना है, देखिए ये है टाइमिंग चेन होंडा का ओरिजिनल है, सबसे पहले ये लगाएंगे ऊपर वाले ट्रॉप और बोल्टूस टाइट कर देंगे ताकि कोई समस्या नहीं रहेगा यहाँ पर। देखिए इसे हम लगाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये लगेगा, देखिए ये लग गया, उसके बाद में चार ऐसे बोल्टूस कसेंगे, चारों में वाशर वाले रहेंगे, देखिए ये दो कस दिए यहाँ पर इस तरह से, और टाइमिंग चेन लगने के बाद कसेंगे दूसरे को, देखिए तो ये टाइमिंग चेन है एक, देखिए बिल्कुल होंडा के ओरिजिनल ब्रांडेड है, तो इसे हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए, देखिए इसे पैकेट फुटा दिया मैंने, देखिए इसमें भी अंदर से भी पैकिंग, तो देखिए इस गाड़ी में काफ़ी ढंग से खर्चा हो रहा है क्योंकि इसमें पूरे ओरिजिनल सामान लग रहा है, तो साउंड भी इसका काफ़ी मज़ेदार ही होगा। देखिए हम इस पीछे वाले गाइड को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे एक चेन थोड़ा देर के लिए, और देखिए टाइमिंग चेन लग गया है, और इसे इस तरह से हम लगाएंगे टाइमिंग चेन पीछे वाला गाइड को, लग गया, और ये गाइड को भी लगा दिए, और देखिए पिस्टन बिल्कुल टॉप पे था, है ना, अब इसको क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, टाइमिंग चेन स्पोकेट, देखिए अब टाइमिंग किस तरह से मिलाया जाता है जो आपको काफ़ी आसान से दिखाने जा रहा हूँ, एकदम मज़े से देखते रहिए ये वीडियो को, देखिए किस तरह से टाइमिंग मिलता है यहाँ पर, देखिए देखिए एकदम बराबर में होना चाहिए,
पिस्टन टॉप पर रखने के बाद यहाँ पर टाइमिंग मिलाया जाता है, जो कि ये लोगो जो है बिल्कुल इस तरह से बराबर होना चाहिए, तभी आपका टाइमिंग मिलेगा। और देखिए ये टाइमिंग का चेन गाय जो है ये स्पॉकेट नट, देखिए इस नट को टाइट कर देंगे हम। उसके बाद में आपको दिखाने जा रहे हैं कि टैपिट किस तरह से मिलाएंगे हम, यहाँ पर आपको वो भी दिखाएंगे। अब लेकर आएंगे हम आठ गाड़ी, तो देखिए ले आया हूँ मैंने आठ गाड़ी, और जहाँ यहाँ पर इसे हम टाइट करने जा रहे हैं, देखिए इसे टाइट किस तरह से करेंगे हम, देखिए टाइट इस तरह से करेंगे हम इसे। और ये टाइट होने के बाद में यहाँ पर काफ़ी काम बाकी है अभी, तो अब यहाँ पर टाइट करेंगे क्या, यहाँ पर जो बाकी है देखिए एक स्टडी मिल चुका है, इसका वाशर भी मिल चुका है, देखिए ये यहाँ और ये यहाँ बनेगा, और इसे 12 गट्टी से इस तरह से हम टाइट कर देंगे। देखिए यहाँ पर टाइट हो गया ये, और 2 10 के बोल्ट भी टाइट करेंगे हम यहाँ पर। देखिए ये जो है कि ब्लॉक और हेड में दोनों में करता रहता है, देखिए काफ़ी लंबा वाला है, देखिए 5-6 इंची है इसका, 5 इंची है ये, यहाँ से टाइट करेंगे तो यहाँ तक टाइट रहेगा, देखिए तो इसे हम 10 के पीस से टाइट करेंगे, देखिए देखिए इस तरह से इसे टाइट करेंगे, देखिए अब ये लगभग टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या टाइट करना है, देखिए यहाँ पर है इसका काम क्या है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बड़े वाले बोल्टूज को टाइट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये लगेगा और एक और लगेगा बोल्टूज, जो इसको टाइट करेंगे हम, ये बोल्टूज है यहाँ पर टाइट करेंगे, ये हो गया यहाँ पर टाइट हो चुका है, ये भी सभी को एक बार रीट चेक कर लेता हूँ मैंने फोन में टाइट है या नहीं। सभी नट एकदम ढंग से टाइट हो चुका है, तो आपको फिर से मैग्नेट लगाने के बाद में दिखाने जा रहा हूँ कि ये टाइमिंग में है या नहीं, और टाइमिंग किस तरह से मिलाया जाता है, और जो आपको अच्छे तरह से मालूम होगा, और जिन जनाब को मालूम नहीं है उनको भी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए ये है टाइमिंग, टॉप पर लाकर दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए ये है माइनट का चाबी, और इसी से पता चलता है आपको इसका कट का लोगो जो है ये पूरा दिखा रहा है। और देखिए इसे मैं थोड़े देर के लिए टाइमिंग में डाल रहा हूँ, देखिए ये है टाइमिंग का, पूरे स्पष्ट दिख रहा है आपको कि एकदम बिल्कुल टाइमिंग में मिला हुआ है, तो आपको एकदम आसान होता है कभी भी ये माइनेट का जो है ना यहाँ पर दिखा हुआ है रेखा, और इसके सामने में डायरेक्ट मिला लीजिए, बिना मैग्नेट का ही हमने मिला लेता हूँ। तो देखिए अब इसमें क्या लगाएंगे हम, टाइमिंग चेन एडजस्टर, देखिए यह है एडजस्टर, इसे नट खोलेंगे, तो देखिए ये है टाइमिंग चेन एडजस्टर, तो एडजस्टर को किस तरह से लगाएंगे हम जरा सा देखिए। अब यहाँ पर इसका ये है गैस्केट, इस गैस्केट में भी थोड़ा सा हम लगाएंगे ग्रीस, और ग्रीस लगाने के बाद में इसे लगा देंगे, जगह पर शिफ्ट कराना है इसे, तो देखिए किस तरह से इसे हम टाइट करेंगे, देखिए यहाँ पर इसे शिफ्ट कराना है, तो यहाँ इसका वोल्टेज मिल गया मेरे को। और देखिए टाइमिंग चेन एडजस्टर ख़राब किस तरह से पता चलता है, और अच्छा किस तरह से है या नहीं, इसे देखिए यहाँ पर ज़रा सा इसको घुमा दीजिए और छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा तो ये
अंदर बाहर पुश करेगा, खराब रहेगा तो जैसे जगह का जगह बैठे रहेगा। तो देखिए ये अच्छा है, ये ढंग से काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसे टाइमिंग चेन एडजस्टर लगा रहा हूँ मैं, और इसे टाइट कर देने के बाद टाइमिंग चेन खुद टाइट हो जाएगा। एक बार पतला पेचकस से जो है हम इसे घुमा देंगे। देखिए अब इसे हम टाइट करने वाले हैं। टाइट हो चुका है और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर टाइमिंग चेन इतना लूज है। तो ये क्यों लूज है, यहाँ पर मिनट भी नहीं लगे, सेकेंड के अंदर में टाइट हो गया। देखिए यहाँ पर टाइट हो गया, देखिए अब ये छूने के बाद में भी नहीं लेगा क्योंकि ये टाइट कर दिया मैंने, एडजस्ट कर दिया। और ये है इसके बाहर का नटे, तो इसे हम यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं टाइट करके। उसके बाद में इसका काम खलास हो चुका है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि टैपिट किस तरह से मिलाया जाता है। देखिए ये गाड़ी टाइमिंग में है और टैपिट किस तरह से मिलाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको 10-11 के स्पिनर से इसे लूज करना है। लूज करने के बाद में आपको कितना चाहिए टैपिट टाइट करना है, जो आपको अपने हिसाब से स्केल कर लीजिए और टाइट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो देखिए ये आगे वाला टैपिट एकदम अच्छा तरह से मिल गया हुआ है, और पीछे वाला आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मिलाएंगे हम। पीछे वाला भी लगभग रेडी होने वाला है टैपिट, तो देख लीजिए किस तरह से मिलाया जाता है ये। चलिए आगे पीछे दोनों मिल गया, अब इसका ये नट टाइट करेंगे। बाबू इंजन को पकड़ो। तो देखिए यहाँ पर हम इसका जो है चार स्टड उसे फुल टाइट कर लेंगे, उसके बाद में हम इसे बहुत ही जल्द इंजन स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं आपको मैं, ये इंजन किस तरह से काम करता है, अपना परफॉर्मेंस किसको कैसा दिखाता है। जो आप टाइमिंग चेंजेस कोविड का नॉट भी अभी टाइट नहीं किया है मैंने ढंग से, तो देखिए टाइट करके दिखा दिया मैंने आपको। और ये वाला भी अभी बाकी है, देखिए चलिए नॉट ये टाइट हो चुका है एकदम अपने हिसाब से अच्छी तरह से। अब आपको क्या दिखाएंगे, इंजन स्टार्ट करके बहुत ही आसान से किस तरह से इसे लगेगा। तो देखिए ये है केस बेरिंग जो कि यहाँ पर लगेगा, ये क्रैंक शाफ्ट में लगेगा। देखिए ये यहाँ पर लग गया, उसके बाद में ये है मैग्नेट, मैग्नेट को हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, एकदम आसान हो गया लगाने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा वाला वाशर डालेंगे, देखिए ताकि इसे पुश करके रखेगा वो। और ये बाहर से ये नट टाइट करेंगे, देखिए ये 19 नंबर गोटी से टाइट करेंगे। और ये है सेल्फ घुमाने वाले पिनियन, तो ये है इस तरह नहीं लगेगा ताकि ये उल्टा लगेगा। देखिए ये है इस तरह से लगाएंगे इसे हम, और इसका ये है पुश रॉड यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद में ये बड़ा बुश लगाएंगे बुश। देखिए काफ़ी अच्छे से लग गया है। अब इस मैग्नेट को हम टाइट करने जा रहे हैं। देखिए ये है 19 का गोटी, और 19 की गोटी बाबू इंजन को पकड़ो। नहीं हम इसे टाइट किस तरह से करेंगे, देखिए अब इस मैग्नेट को किस तरह से टाइट करेंगे, यहाँ पर लगा कर इसे टाइट करेंगे हम। चलिए मैग्नेट फुल टाइट हो चुका है,
अब उसके बाद में टैपिट भी मिल चुका है। अब इसका गाड़ी का जो है टाइमिंग भी एकदम बेहतरीन तरीके से मिला दिया मैंने। देखिए इसका लोगो दिखा रहा है। अब इस गाड़ी को बॉडी में लगाएंगे। अब बॉडी में लगाकर अब लेकर आओ बाबू उस गाड़ी को।